boys, your turn. Line up. Very good, very good. On your marks, okay? Ready? Steady? And... get up, get up, get up! Push your legs, push your legs! Come on, come on, come on! Very nice, very nice, very nice! Get up, guys! Yes, come on! Come on, you can do it! Yes, yes! Push your legs, push your legs! मीन तो ये है, कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराता है क्या? क्या कर रहे हो काविश? क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें इंजरी हो गई तो मेरी इस कोचिंग को रिप्रेजेंट कौन करेगा? बोलो। और तुम इसको डिस्टर्ब करना छोड़ोगी? प्लीज फोकस करने दो, फोकस। सर हम लोग फोकस कर रहे हैं सर, स्केच के नीचे कुछ आ गया। फिर से तुम लोगों के बहाने? हाँ क्यों सर? सर बहाने नहीं, ये देखिए सर, छर्रे ट्रैक्स पर। ये छर्रे ट्रैक पे कहां से आ गए? देखा सर, गिरने का कारण कुछ और था, आपने खामखा डाल दिया। देखो काविश मेरी कोचिंग का बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट। इसको इंजरी हो गई ना तो हमें जिताएगा कौन? हाँ देखो आई एम सॉरी, ही इज द बेस्ट। हाँ सर, आपकी उम्मीद तो इसी से जुड़ी हुई है, हम तो किसी काम के नहीं ना। अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। अरे सुनो, अरे सुनो तो यार। Guys, are you okay? ज़्यादा लगी तो नहीं? शो काविश, ये क्या कर रहे थे तुम? अलीशा तुम? सब पता चल रहा है मुझे, समझे? और तुम मासूम बनके मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा मत, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलीशा बस, ज्यादा बदतमीजी मत करो प्लीज। मैं बदतमीजी कर रही हूँ और तुम जो इसके वजह से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो उसका क्या? अलीशा बात, तुम तो चुप ही रहो, देख लूंगी तुम्हें, देख लो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख ले। हेलो मैडम। अलीशा, अलीशा संभालो यार अपनी गर्लफ्रेंड को। रुको, अलीशा और काविश मिलके ना एक दिन मेरी कोचिंग बंद करवाएंगे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को ये लड़की, कैसे इल्जाम लगाती है मुझ पे। देखो तेजाक्षी, प्यार में समटाइम्स लोग पजेसिव हो जाते हैं यार, और तुम जानती हो ना अलीशा को, उसे तो सबसे प्रॉब्लम है। अरे सर अगर उसको इतनी प्रॉब्लम है ना, आप उससे कहो कि अपने घर पे बैठे और काविश को एक डब्बे में बंद करके अपने पर्स में रख ले, ताकि ना कोई इससे बात करेगा ना मिलेगा। अरे काविश को टॉय तोड़िए। ओह माय गॉड सर, ए रुको, हेलो। ओह माय गॉड सर, आप ठीक तो हैं? सर आपको बहुत चोट आई है। ओह माय गॉड, हेल्प मी सर, उठिए संभाल के। आउच, आप ठीक तो हैं सर? या समझ नहीं आ रहा उस आदमी ने आपको ऐसे धक्का क्यों मारा। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सर, लगता है ये उसी बाइकर ने फेंका। अगर कल काविश स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। What? ये तो सरासर धमकी है, मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं। आगे पढ़ो। आज प्रैक्टिस में जो भी हुआ वो छोटा सा ट्रेलर था एक्सीडेंट का, अगर काविश कंपटीशन में मिला तो उसकी मौत की पूरी फिल्म देखने मिलेगी आप लोगों को। ओह माय गॉड सर,
काविश किसी भी कीमत पर इस कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती हो। ठीक है। हेलो। अभी तक नाराज हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेड रोजेस लाया हूँ और एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। I'm sorry, अब क्या कान पकड़ूं क्या? अच्छा है, प्रॉमिस कि मैं आज के बाद तेजाक्षी को बिल्कुल नहीं मिलूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें भरोसा हो? टेल मी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। आई प्रॉमिस। सोच लो, मैं जो भी कहूंगी वो तुम्हें करना होगा और तुम्हें मुझे प्रॉमिस देना होगा। पक्का प्रॉमिस? ठीक है, तो फिर मेरा एक काम करो। क्या काम है बीबी? देखो, तुम स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये क्या कह रही हो तुम अलीशा? मुझे पता था। देखो, अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा ना तो समझो कि हमारा रिश्ता भी टूट गया। अलीशा, ये मेरा करियर है और मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूं इस कंपटीशन में? टेल मी। तेजाक्षी की वजह से, बिकॉज वो तुम्हारी पार्टनर है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ एक पल भी रहे। अलीशा, इट्स नॉट अबाउट तेजाक्षी, ये मेरे करियर का सवाल है, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं, देखो, या तो तुम तेजाक्षी के साथ स्केटिंग कर लो या मुझे चूज कर लो। कोई जरूरत नहीं मिलने की, बातें करने की। जब तुम प्रॉमिस निभा नहीं सकते तो प्रॉमिस क्यों करते हो? अलीशा, लगा सो। स्विच ऑफ आ रहा है, अलीशा को ट्राई करता हूँ। सो, कहीं कल की धमकी की वजह से तो नहीं? काविश, हाय। आ गया सर। थैंक गॉड तुम आ गए। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाली थी काविश, कहाँ रह गए थे तुम यार? सॉरी सर, सब मुझे लेट हो गया। एक्चुअली सर, फोन की बैटरी भी खराब हो गई थी इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया। सर, आपको चोट कैसे लगी? काविश, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कल काविश स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। सर, मेरे लिए धमकी? देखो काविश, अगर तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है ना तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। सच में ये कंपटीशन तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। नहीं सर, इस कोचिंग को मुझसे बहुत उम्मीद है और मैं हर हालत में इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा। दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात चैंपियन। सर, कल मुझे वैसे भी स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना है, तो उससे पहले क्यों ना मैं फॉर्मर स्टेट चैंपियन के साथ कम्पीट कर लूं? यानी कि मेरे साथ? जी सर, क्योंकि असली खेल में जो चुनौतियां मुझे कल मिलेंगी उसकी आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी स्केट्स लेकर आता हूँ। सर, सर आपको इतनी चोट लगी, आप कैसे करेंगे कम्पीट? मेरा ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे उसको बूस्ट मिलेगा और स्टेट लेवल चैंपियनशिप में उसको जीतने में मदद करेगा। अरे वाह, गुरुजी और चेली के एक ही कलर के स्केट्स हैं। मुझे लगा सर जैसे स्केट्स लेने पर हो सकता है मुझे उनकी किस्मत मिल जाए और मैं भी स्टेट चैंपियन बन जाऊं। घबराओ मत बेटा, तुम चैंपियन भी बनोगे और हर एक चैंपियनशिप भी जीतोगे सिवाय आज के। गुरु से पंगा पड़ेगा महंगा। सर, मैं भी कुछ सस्ते खेल नहीं खेलता हूँ। देख ले बेटा, मैंने कल ही अपनी स्केट्स की सर्विसिंग कराई है। अच्छा, और सर्विसिंग कराने के बाद अगर आप हार गए तो ज्यादा बुरा तो नहीं लगेगा आपको? देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। Yeah!
सर सर आप ठीक हो? Are you okay? सर just, oh just my God, God. काविश is dead. सर काविश की मौत हो गई है. What? कैसे? कल एक एक्सीडेंट हुआ था और आज भी और आज सर की मौत हो गई है. कहीं एक्सीडेंट कोई करवा तो नहीं रहा? हमको सीडी को अभी कॉल करना पड़ेगा. नाउ फ्रैक्चर होने की वजह से इसकी मौत हुई है. काफी खून भी बह गया है. सर कम से कम 10-15 लीटर खून बहा है. पंकज, इंसान के शरीर में सिर्फ 5 लीटर खून होता है. वो भी मैं सोचूं कि इसका 10-15 लीटर खून कैसे बह गया. सर ये ट्रैक के पास ये व्हील और ये दो स्क्रूज मिले. सर हो ना हो उसकी मौत व्हील निकलने की वजह से ही हुई है. ये देखो, किसी ने इसको रगड़ दिया है, इसके थ्रेड को खराब कर दिया है और फिर वापस इस व्हील को इस पे लगाकर फिर से फिट कर दिया है ताकि ये नॉर्मल लगे. और जैसे कोई इस स्केटिंग पे चढ़ेगा थोड़ी देर के बाद ये व्हील अपने आप निकल जाएगा. एक मिनट कविश, इसके बारे में क्या मालूम है, कुछ बता सकते हो? आदित्य सर ने कल ही अपने स्केट्स को सर्विस कराया था. सर्विसिंग करवाई थी? और कुछ बता सकते हो? आज सुबह जब मैं यहाँ आया तो आदित्य सर ने मुझे बताया जब वो कल तेजाक्षी के साथ वापस जा रहे थे तो किसी बाइक वाले ने धक्का दिया और एक धमकी भरा कागज का टुकड़ा फेंक कर चला गया. क्या मैं वो खत देख सकता हूँ? जी सर, मेरे पास है. ये सर. अगर काविश कल स्टेट स्केटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा. आज प्रैक्टिस में जो हुआ वो छोटा सा एक्सीडेंट का ट्रेलर था. अगर काविश कंपटीशन में मिला तो उसकी मौत की पूरी फिल्म देखने को मिलेगा आप लोगों को. अच्छा, ये बाइक वाले इंसिडेंट से पहले यहाँ पे कुछ हुआ था? जी सर, जब हम ट्रैक्स पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो किसी ने छर्रे फेंक दिए थे जिसकी वजह से हम दोनों गिर भी गए थे और फिर ये बाइक वाला इंसिडेंट हुआ. एक सोची समझी साजिश है. अच्छा, अब आज प्रैक्टिस में यहाँ कौन कौन आया था कुछ याद है आप लोगों को? सर ओपन ट्रैक है, कोई भी आ जा सकता है. पंकज एक काम करो, ट्रैक के आसपास छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या. इस कागज में तो ड्रग्स की महक आ रही है. अब तो ये हमारी मदद करेगा. सर मैं हमेशा आपके काम आता हूँ ना सर, आज बोलिए ना सर, कहीं ना मैं आज क्या करूँ सर? तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहो, मुंह बंद रखो. मैं तुम्हारी नहीं उस सिक्योरिटी कैमरे की बात कर रहा हूँ. चलो. वो कैमरा है ना, वो बिल्कुल मेरी तरह चुपचाप सबको देखता रहता है. मैं भी सबको देखता रहता हूं. चलो.
जरा इसके चेहरे पे जूम करो। ये आदमी कौन है आप लोग जानते हो? हाँ सर, इसे देखा है। ये अक्सर स्टेडियम के आसपास दिखाई देता है। हाँ सर, मैंने भी इसे देखा है, यही आसपास। और तुम 24 घंटे इस मॉनिटर पे बैठे रहते हो, तुमने इस आदमी को नहीं देखा पहले कभी? सर, इसको तो देखा हूँ, पर कहाँ देखा हूँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा पंकज, अपने मोबाइल पे इसका फोटो ले लो। कुल मिला के एक बात साफ है कि यह आदमी यही कहीं आसपास रहता है। चलो पता करते हैं इसका। ये? अरे इसके तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। 2,000 रुपया लिया है उसने, उसके बाद कभी मेरे हाथ में नहीं लगा है। क्या आप इसके दोस्त हैं? मेरे 2,000 वापस कर दो। अरे मैं इसका कोई दोस्त नहीं हूँ सर, ये जानता है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और हमें इस आदमी की तलाश है। सीआईडी से? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप बाकी चीजें उससे निकलवा लेते हो तो मेरा 2,000 भी निकलवा लेना, बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग फिरौती के लिए नहीं निकले, फिलहाल आप ये बताइए कि आदमी मिलेगा कहाँ? ये अपने आवारा दोस्तों के साथ इसी बदनाम बार में नोट उड़ा रहा होगा। वैसे अगर आपको वो कभी मिला ना तो तुरंत, अरे छोड़िए मत उसे। आप इस बार के मैनेजर हो? अरे साहब, बार नहीं है ये, मदमस्त होने का मंदिर है। तुम्हें माल चाहिए ना, पड़ा है अंदर। इसे पहचानते हो? आय हाय मैडम, आप कहें तो जिसे चाहे पहचान लो, और आप कहें तो खुद को भी पहचानने से इनकार कर दो। हम लोग सीआईडी से, जरा चू चपड़ की ना तो अपनी पहचान भूल जाएगा तो, समझे? अरे साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो मुझे। कौन चिल्ला रहा अंदर? वो कल्लू है ना। मत मारो मुझे। जी भर के शराब पी लिया, अब देने के लिए पैसे नहीं है तो मेरे बाउंसर उसकी मालिश कर रहे हैं। वो ही हो जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। चल, बस 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 चल, होश मिलाओ इसे। उठ, तुमसे सवाल पूछने। रीता, तुम आ गए? रीता, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। रीता, अरे रीता, अरे आ जाओ डार्लिंग, मेरी बाहों में लग जाओ। रीता, अरे बाहों में? रीता, पागल हो गया क्या? रीता सर, बहुत ज्यादा नशे में, मुझे रीता समझ रहा है। रीता, ये ऐसे होश में नहीं आएगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे रीता। कौन है? कौन है? सवाल पूछने। कौन है? कौन है? तेरे पाप? पिताजी, आप यहाँ? सर पिताजी बोल रहे हैं। हम तेरे बाप हैं। अब ये बता, आदित्य को क्यों मारा तूने? क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। तेरी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, समझा? उसमें तू आदित्य के गेट के नट को ढीला करते हुए नजर आ रहा है। सर, कौन आदित्य? कैसे नट? सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे बहुत ज्यादा नशा हो गया, इसे उल्टा करके ना पानी के टंकी में डालना होगा। नहीं सर। सही कह रहे हो पंकज, ले चलो उसे। नहीं सर, सर मैं बताता हूँ सर। सर मुझे एक लड़की ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। कौन सी लड़की? बॉक्सर यहाँ आया करती है सर, इस काम को अंजाम देने के लिए उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए।
सर मैं सच कहता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, उसका नाम तक नहीं जानता मैं। तूने कहा वो लड़की अक्सर यहाँ पर आती है, उसका चेहरा तो याद है ना तुझे? क्लास सॉफ्ट ड्रिंक डाल के। ओके। लीजिए। थैंक यू। ड्रिंक में भी जहर मिलाकर सारे सबूत मिटाना चाहती हो आप लोग? सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म, हमने तुम्हें इस ड्रिंक में जहर मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पकच, पकड़ो उसे। ये आदमी कौन था जो अभी यहाँ से भागा? वो सर, वो शर्मन है। उसी ने मुझे ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए, कि वो मेरी ड्रग लेने की आदत मेरे माँ बाप को बता देगा। गाड़ी से नंबर तो देखा होगा ना? हाँ सर। एक काम करो, इस नंबर को सारे चेकना का और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और उन्हें ऑर्डर दे दो, जहां मिले तब पहुंचते हैं। चलो। हमारी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। क्या डायलॉग मारा है? लगता है स्केटिंग सिखाने का काम भूल गए हो तुम, याद दिलाना पड़ेगा। क्यों मारा तुमने आदित्य को? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस सिर्फ उसे घायल करना चाहता था सर, पर इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली जाएगी सर, ये मुझे नहीं पता था। पर क्यों क्यों करना चाहते थे ये सब तुम? सर उस आदित्य ने मुझे कंपटीशन देने के लिए अपना कोचिंग शुरू कर दिया सर, यहां तक कि मेरे बेस्ट टीचर्स को ज्यादा पैसों का लालच देकर उसने अपने कैंप में शामिल कर दिया सर, यहां तक कि सर मेरा बेस्ट स्टूडेंट कविश वो भी मेरी कोचिंग छोड़कर चला गया सर। मेरे सारे सपने टूट गए सर, मैं बर्बाद हो गया था सर, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा सर, ताकि वो भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए सर। और इसलिए तुमने अपने प्लान में
आलिशा को शामिल कर लिया, क्योंकि तुम तो इसकी कमजोरी जानते थे ना। हाँ सर, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आलिशा ड्रग्स लेती है सर, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया सर, ताकि ये कविश को कंपटीशन में जाने से रोक सके, और मैं उस आदित्य से बदला ले सकूं। और वैसे हुआ भी, पर तुम्हारी चालाकी तुम पर उल्टी पड़ी और तुम्हारे हाथों खून हो गया। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। सर, मैंने नहीं मारा सर। चलो सर, ये केस तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। तुम्हें किसने कहा केस सॉल्व हो गया? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, समझे? काम करो। सर एक मिनट। हेलो, हाँ सर, उनके सर क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते। ओके। क्या कहा सर उनके ने? हमें फॉरेंसिक बुलाया जल्दी से जल्दी। कहा है कहानी में ट्विस्ट है सर। कहानी में ट्विस्ट? सारुंखे, सब कुछ हो गया और तू कह रहा है कि खाने में ट्विस्ट है? क्या बात है बता। बस सब कुछ हुआ ही नहीं है, केस तो अभी शुरू हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग समझ रहे हो इस आदमी की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। हाँ। जी नहीं, इस आदमी की मौत दरअसल जहर देने की वजह से हुई है। क्या, जहर से? जी हाँ, और जहर भी इतना खतरनाक जहर कि 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना असर कर देता है। किसी खतरनाक जहरीले सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक। मैं बताता, देखो, ये देखो बॉस, ये है खून और इसमें है वो खतरनाक जहर। अब हम इस जहर की एक बूंद इसमें डालते। के साहब, इसने तो खून को दूध की तरह फाड़ दिया। बिल्कुल यही हुआ इस आदमी के साथ। बस जहर की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। सालों के, तेरे कहने का मतलब है कि जब ये लोग स्केटिंग कर रहे थे तब उसे जहर दिया गया है? हाँ। या कैसे हो सकता है, तो क्या कह रहा है ये? बस आप खुद देख लो कैसे। आओ। ये देखो बॉस, इसके अंगूठे पर यहाँ छोटा सा निशान, दरअसल ये एक सुई का निशान है बॉस, और इसीलिए यहाँ का खून जम गया है। और ये सुई लगी हुई थी स्केटिंग के इस जूते में यहाँ पर। ये देखो बॉस, जैसे इसने जूता पहना स्केटिंग के लिए, अपने पैर को पुश किया, ये सुई इसके अंगूठे में चुभ गई और वो जहर इसके शरीर में पहुंच गया। उस जहर की वजह से ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ये टकरा गया। सब लोगों ने सोचा ये एक्सीडेंट है। सर, हम जहां से चले थे फिर से वही पहुंच गए। मतलब छुट्टी लेने के चांसेस पक्का कैंसिल। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग थे। एक लगा था इसे धक्का मारने में और दूसरा इसे जहर देने में। सर, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर, उस कविश ने बोला था कि खून होने से एक दिन पहले इस आदित्य ने अपने स्केट्स सर्विसिंग के लिए दिए थे, कहीं वहीं पे कुछ? हाँ सर, सर्विसिंग करते हुए स्केट्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यहाँ का जो मालिक है वो हैंड्स अप। अरे, लगता है तीनों मालिक है यहाँ पे, तीनों ने हाथ ऊपर कर लिया। मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे तो फिर इन दोनों ने क्यों हाथ ऊपर कर लिए? इतनी बड़ी गन देखकर कोई भी हाथ खड़े कर देगा ना। देखो, हम लोग CID से और आपसे कुछ पूछताछ करनी है। CID से पूछिए, क्या पूछना है? आदित्य को जानते हो? वही आदित्य जो स्केटिंग सिखाता है? जी हाँ सर,
बहुत अच्छे से और बहुत सालों से जानता हूँ। वो हमारी दुकान से स्केट ले जाते हैं। देखिए अब वो रहा नहीं, उसका खून हो गया। खून? कैसे सर? आप बस हमें ये बताइए कि आदित्य के स्केट्स की सर्विसिंग किसने की थी? सर आदित्य जी के स्केट की सर्विसिंग हमेशा नीरज ही करता है। नीरज? कहाँ है ये नीरज, जरा बुला सकते हैं? सर लास्ट टाइम आदित्य जी के स्केटिंग की सर्विसिंग करने के बाद वो दुकान पर आया ही नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसका अता पता तो होगा तुम्हारे पास? नीरज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नीरज। सर लगता घर में कोई नहीं है, हम लोग बाद में आते हैं। सचिन सचिन घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इसकी तबीयत बहुत खराब है। नीरज हो? नीरज जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमें। नीरज नीरज ये तो मैं क्या? ओ नो, इसकी गर्दन पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे आदित्य के पैरों पे था। ओ नो, सुई के निशान, जरूर इसे भी सुई से जहर दिया गया है, खून भी इकट्ठा हुआ। Hey! Hey, रुक रुक जाओ, जल्दी से पकड़ो उसे। सर जल्दी, जेके काविश, तुम्हारे कातिल को उसके किए की सजा मिल गई है जिसने तुम्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था। उस आदित्य की जिंदगी भगवान ने छीन ली है। प्रैक्टिस, अब जेल में रहने का प्रैक्टिस करो। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वही जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारी नियत के साथ साथ कान भी खराब है क्या? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं सर? आदित्य का खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। क्या सर, लगता है इसे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, इसके कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे। सब्र करो पंकज, अगर इसे मर्डर मोटिव नहीं बताया और अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो इसके कान खोलने के साथ साथ उसकी हड्डियां तोड़ने का मौका भी मिलेगा। तो थैंक यू सर। सर सर मैं आदित्य सर का खून क्यों करूंगा सर? आपको आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। अच्छा अच्छा, इसे पहचानते हो ना तुम? हमसे भागते वक्त तुमसे पीछे छूट गया था। के यानी कविश। सर सर ये मेरा नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ ये किसका है। अच्छा किसका है? कविश,
रुक जाओ, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। डाला मैंने उस आदित्य को और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उस आदित्य के कारण मेरे भाई की मौत हो गई। तुम्हारा भाई? हाँ, मेरा भाई केतन, जिसके साथ धोखा करके उस आदित्य ने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। और फिर तुमने आदित्य को मार डाला और खुद एक खूनी बन गई। सर, मेरा बेटा केतन होनहार लड़का था, स्केटिंग का चैंपियन था। जिस साल वो और आदित्य स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, सब लोग जानते थे कि मेरा बेटा केतन ही इस कंपटीशन को जीतेगा। पर उस आदित्य ने नीरज के साथ मिलकर मेरे भाई के खिलाफ ऐसी साजिश रची की, उन्होंने उनके स्केट्स ही खराब कर दिए। खराब स्केट्स के कारण भैया कंपटीशन हार गए। वो हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? एक दिन मैंने आदित्य और नीरज को इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि नीरज को धमका के मैं आदित्य को मारने का प्लान बनाऊंगी। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दो मैडम। तुमने मेरे भाई के खिलाफ साजिश में आदित्य का साथ दिया ना? दिया ना? हाँ मैडम, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, आत्महत्या कर ली उसने। मैडम माफ करो मुझे। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, इस खून की सजा दिलवाऊंगी तुझे। CID को फोन करूंगी और जेल दिलवाऊंगी। उस सड़ सड़ के मरेगा जेल में। नहीं मैडम, नहीं 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 मैडम, मुझे जेल मत भेजो आप। मैडम मैडम, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैडम मैडम मैडम, थोड़े से पैसे के चक्कर में आ गया मैडम, उससे गलती हो गई मैडम। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुप, नहीं भिजवाऊंगी तुम्हें जेल, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ 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 मैडम, मैं आपकी कोई भी मदद करूंगा मैडम, बस मुझे जेल पर भिजवाओ मैडम। ये आदित्य के जूते में फिट कर दो। ये क्या है मैडम? जहर। मैडम इससे तो वो मर जाएगा ना? हाँ, और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं CID को बुलवा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। नहीं मैडम। करोगे कि नहीं? हाँ ठीक है सर। ये बच्ची नादान है, भाई के प्यार में आकर गलती कर बैठी, इसे माफ कर दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, आपकी बेटी की जिंदगी का फैसला तो अब कानून करेगा। आपके बेटे का आत्महत्या करना, तेजाक्षी का किसी का खून करना, इन दोनों जुर्म में आप भी बराबर के हिस्सेदार हो। आप भी बराबर के हिस्सेदार हो, समझे आप? मगर भूल गए आप कि बच्चे छोटे पौधों जैसे होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करना, अच्छी सिंचाई करना, उसी से तो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। मगर नहीं, चूक गए आप, बहुत बुरी तरह से चूक गए आप। ले जाओ इनको, चलिए आइए। सही परवरिश बच्चों का जीवन संवार सकती है और गलत परवरिश बच्चों का जीवन बिगाड़ सकती है। क्या ऐसी परवरिश दे पाना आसान है? इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है एक नया शो, परवरिश सीजन 2। कल रात 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी पर। जरूर देखिएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।